मेरा संबोधन तीन हिस्सों के अंदर मैं बांटना चाहता हूं। रात रात के अंदर जो तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे उनको दोबारा से लगाना के अंदर योगदान किया मेरा संबोधन तीन हिस्सों के अंदर मैं बांटना चाहता हूं। पहला संबोधन का हिस्सा यह है कि ये जलसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि हमारी पिछले 9 साल की 8.5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। और तीसरा जो चरण है मेरा भाषण का वो मैं राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ चर्चाएं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इस बात को सभी को सुनेंगे। एक और मेरा निवेदन है कि जब मैं बोल चुकूं मेरे बाद धनखड़ साहब बोलेंगे, मेरे साथ उनके बाद विप्लव देव जी बोलेंगे, तो जो मेरा साथी है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है उनसे निवेदन है कि जब तक कि आखिरी बार जय हिंद ना हो जाए कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मामला हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले कारण कि ये रैली लोकसभा की हमने क्यों की। आपको मालूम है जैसे ही हमारी सरकार भारत के अंदर बनी, जैसे ही दूसरी बार सरकार हमारी हरियाणा के अंदर बनी, कोविड का प्रकोप सारे विश्व के अंदर छावा है, देश के अंदर भी छाया। और 3 साल से जो हम छोटी मोटी रैलियां करते थे उसी तक सीमित रहे, बड़ी रैली हम कर नहीं पाए। कोविड का खौफ हमको सताता था इसलिए हम बड़ी रैली नहीं कर पाए। और सभी 10 लोकसभा सीट के अंदर 10 के 10 लोकसभा सदस्य हरियाणा के आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते हैं। और इसी महीने के अंदर सभी के जगह लोकसभा लेवल के ऊपर रैलियां आयोजित करी जा रही हैं। आज मैं तो यूं नहीं कह तो सकता कि आपकी रैली सबसे अव्वल है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी रैली किसी से घाट नहीं रहेगी चाहे बारिश कितनी आ रही हो। और जिन लोगों ने रात रात के अंदर जो तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे उनको दोबारा से लगाना के अंदर योगदान किया, जो लोग भीगते भीगते अपने घरों से गाड़ी में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, मोटरसाइकिल स्कूटर के अंदर बैठ करके पैदल आए और भीग गए, आपका भी मैं साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो करी है वो काबिले तारीफ है। और इस मंच से आप सभी का धन्यवाद।